नमस्कार। तो आज आप नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट भी आप देखेंगे। नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर आज 8% की तेजी देखने को मिले। स्टॉक बेहतरीन मोमेंटम जनरेट कर रहा है, एक तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, यानी कि आज 8% की तेजी देखने को मिले स्टॉक के अंदर। देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे स्टॉक में गिरावट हो चुकी थी, पर आज जैसे ही ओपन हुआ, गैप अप से ओपन हुआ, 225 एक इम्पोर्टेंट लेवल थी। अगला रेजिस्टेंस लेने के चांसेस जो है यहाँ पे 240 के करीबन जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है स्टॉक, क्योंकि 240 के ऊपर स्टॉक सेटल नहीं हो पाया था पिछले टाइम पर। यहाँ पे जब गिरावट हुई, आज यहाँ पे रिकवरी हो रही है, वॉल्यूम पॉजिटिव आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। पर न्यूज की तरफ भी नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि इंडिया एल्यूमिनियम कॉपर प्रोडक्शन राइज एज चाइना प्रपोजल्स टू कर्ब एक्सपोर्ट्स। तो देख सकते इंडिया का जो एल्यूमिनियम कॉपर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना की तरफ से भी यहाँ पे आप देख सकते कि एक्सपोर्ट के लिए कब मिला है, मीन्स यहाँ पे उसकी वजह से जो है आज नैल्को में भी तेजी है, वेदांता में भी तेजी देखने को मिले है, हिंदेलको भी काफी 4% अप है। तो इसके अलावा देख सकते कि चाइना का फाइनेंस मिनिस्टर जो है लास्ट वीक ने उन्होंने प्रपोज किया था रिड्यूस और कैंसिल एक्सपोर्ट टैक्स रिबेट फॉर कमोडिटीज इंक्लूडिंग कॉपर एंड एल्यूमिनियम इफेक्टिव December 1। तो ये जो थी अपडेट थी नैल्को के लिए, जिसके कारण आज तेजी देखने को मिली है।